हाय, आप सब जानते हैं कि कोविड फिर दोबारा तेजी से फैल रहा है। उसकी थर्ड वेव की आहट हो रही है। सेकंड वेव हम सब जानते हैं, हर किसी ने अपने किसी ना किसी को नजदीकी को खोया है और कितना बुरी तरह से इसने इफेक्ट किया है। कोविड सेकंड वेव की कोविड में एक चीज उभर के सामने आई कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से या डिजीज से जूझ रहे हैं, जैसे कि जिनको कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या जिनका वेट ज्यादा है, उनको उसने और बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। तो सेकंड वेव के बाद बहुत से लोगों ने यह रियलाइज किया, बहुत लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्हें अब हेल्दी होना है ताकि वो आने वाली बीमारियों से लड़ सकें। इसी श्रृंखला में वो लोग जिनका वेट ज्यादा था, उनको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ी कोविड के दौरान, उन्हें सांस की समस्या ज्यादा हुई, तो उस वजह से लोगों ने रियलाइज किया कि हमें अब वेट लॉस करना है। तो कोविड के बाद सडनली हम लोगों ने पाया कि बेरियाट्रिक सर्जरी की डिमांड बढ़ गई है। वह इसलिए बढ़ गई कि बहुत लोग जो उस समय इस समस्या से जूझे थे, कोविड की समस्या से जूझे थे और उन्होंने वेट ज्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, उन्होंने हम लोगों से कांटेक्ट किया कि क्या हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही काफी पेशेंट्स की वेट लॉस बेरियाट्रिक सर्जरी की है और हम उनकी कोमोर्बिडिटीज यानी डायबिटीज हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव में वैक्सीन के द्वारा या अन्य दवाइयों के जरूरत से प्रिकॉशन से वो लोग कोविड से बचे रहेंगे और अगर खुदा ना खास्ता कोविड की गरस्त में दोबारा आते हैं तो वह बेटर प्रिपेयर होंगे सेकंड वेव से जूझने के लिए। थैंक यू।